lovely buddies and a very warm welcome to you all on this platform. आप सबको बहुत मिस किया है मैंने और इसीलिए ले आई हूँ मैं क्या आज एक नहीं दो स्टोरीज. Yes, so I have two stories today and you know what? जो हमारी बुक का नाम है, the name of the book is in this. Yes, इन दो स्टोरीज में से एक वो स्टोरी है जिसका नाम आपको हमेशा हमारी बुक का दिखाई देता है फर्स्ट फ्लाइट. तो इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली. क्या है फर्स्ट फ्लाइट, क्यों हमारी बुक का नाम रखा गया है फर्स्ट फ्लाइट और क्यों है इस चैप्टर में दो स्टोरीज, वो सारी बातें करेंगे हम लोग. एंड तक बने रहना है आपको. एंड व्हाट यू हैव टू डू, शेयर दिस सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम योर बडी पूजा शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन. सो हमारे जो बुक है दैट नेम इज फर्स्ट फ्लाइट एंड यहाँ आप देख सकते हो हमारे जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हमारे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट. ओके, सो फ्लाइंग के रिलेटेड, उड़ने से रिलेटेड हमारे पास में कितनी स्टोरीज है, टू स्टोरीज वी हैव और उन्हीं टू स्टोरीज का वन शॉट रिविजन है इसके अंदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन. ओके, जब हम फर्स्ट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन वी हैव टू हियर, राइट. कितने हैं हमारे पास में, दो. आपको दो यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे हैं, वाई देयर आर टू ऑथर्स हियर, बिकॉज वी हैव टू स्टोरीज. हमारे पास में क्या है, दो स्टोरीज है. जब दो स्टोरीज है तो दो ऑथर होने हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारी बात यहाँ पे. सो हियर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो हिज फर्स्ट फ्लाइट इज द फर्स्ट वन. तो इनके ऑथर का नाम क्या है, ही इज लियाम ओ'फ्लैहर्टी. ये रहा इनका नाम. ओके ये आयरिश नॉवेलिस्ट थे एंड साथ ही साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. ही वाज बोर्न ऑन 1896, ये याद रख सकते हैं. एंड ही डाइड ऑन 1984. वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू राइट बोर्न ऑन एंड इफ यू राइट डाइड ऑन तो आपके अगर एक्सट्रैक्ट आता है या अगर किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है अबाउट द ऑथर के बारे में पूछा जाता है एंड यू हाईलाइट ऑल दीज पॉइंट्स तो इट गिव्स अ मोर इम्पैक्ट ऑन योर आंसर्स एंड दैट्स रियली ट्रू. इज हर आंसर जो है, देखो आपको जैसे गानों में दिखाई देता है ना, गानों में एक टैग लाइन होती है या एक हुकअप स्टेप होता है तो वो सबका फेवरेट हो जाता है और सभी उसे इमिटेट करते हैं. सिमिलरली ये इसकी टैग लाइन समझ लो या ये इसके हुकअप स्टेप समझ लो, आपको ये हुक स्टेप्स याद करने ही हैं ताकि आप हाईलाइट कर सको अपना कि हमें पूरा स्टोरी पता है एंड वी नो दिस बेसिक नॉलेज एज वेल. ओके, हिज बेस्ट सेलिंग नॉवल, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, यू वॉन्ट फाइंड एनीवेयर, मैंने आप लोगों के लिए ये ऐड किया है. यू मेक योर आंसर मोर एप्रोप्रिएट बाय टेलिंग देम कि इनका जो बेस्ट सेलिंग नॉवल है द इनफॉर्मर एंड रिटर्न ऑफ द ब्रूट. ये इनके बेस्ट दो जो नॉवेल्स हैं, बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स हैं, ये याद रख लेना. देन द फर्स्ट वाला, फर्स्ट का नाम ही क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक का नाम भी है तो ये हमारी स्टोरी बहुत ईजी है. आपने शायद बचपन में भी सुनी होगी ये स्टोरी के बारे में. मूविंग अहेड विद द सेकंड स्टोरी, इसी लेसन के अंदर हमारे पास में सेकंड स्टोरी एंड दैट सेकंड स्टोरी नेम इज व्हाट, ब्लैक एरोप्लेन. ओ माय गॉड, आज तक हमने व्हाइट एरोप्लेन तो देखा ही देखा है. अच्छा एरोप्लेन आया है तो लेट्स क्विकली गो विद आर, यस, व्हाट स्पेलिंग्स, व्हाट वोकैब. आपने सुना होगा एरोप्लेन भी कहा जाता है, आपने सुना है एयरप्लेन. मैम विच वन इज करेक्ट, अ बेसिक क्वेश्चन ऑलवेज कम्स, मैम इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, मैम ये मेरी राइट है. Both the spellings are correct. Okay, remember both the spellings are correct. British English की बात करते हैं और American English की बात करते हैं तो अमेरिका जो कि वर्ल्ड में अभी डोमिनेट कर रहा है एंड उनके पास में क्या पावर है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे वो वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पे वो वर्क कर रहे हैं. सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी सी स्पेलिंग्स में जो बहुत ट्रेडिशनल टाइम से चले आ रही हैं, ट्रेडिशनल स्पेलिंग्स हैं, उनमें थोड़ी सी ना इधर उधर कर रहे हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. सो आई कैन, ब्रिटिश में कैसे कहा जाता था, ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन कहा जाता था एंड दैट्स ट्रू. ओके, अब आप किसी को जज मत करो कि एरोप्लेन क्या होता है, इट्स एयरप्लेन. नो, बोथ आर करेक्ट. ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो एरोप्लेन है एंड अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो एयरप्लेन है. बोथ स्पेलिंग्स आर आल्सो करेक्ट. सो हम, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया पे रूल किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था. हमने किसको ज्यादा पढ़ा है, ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ा है. इवन वर्ल्ड में भी ज्यादा कौन सी चलती है, हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश चलती है. वो कैब अगर की बात करें तो धीरे धीरे अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा हो गई है. बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज दे दी. देखो तुम मुझसे पढ़ोगे तो सोचो, जब हम पेड क्लासेस करते हैं तो मैं हर एक बारीकी से बात बताती हूँ, रिलेट करती हूँ कि तुमने ये वर्ड पहले कहाँ पढ़ा है, आगे कब पढ़ सकते हो और एग्जाम में किस तरीके से इस वर्ड का यूज कर सकते हो. सो बी क्विक इन ज्वाइनिंग आवर सेशंस. जो पेड कोर्स है हमारे, उनके साथ में आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए. डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू दैट आई कैन गिव यू माई मेंटोरशिप I can give you the personal touch which you really want. कि मैम ना हम इस एक स्टेज पे आ चुके होते हैं जहाँ पे we can't behave like a small young child and but we cannot like we don't have that much कि हम एकदम mature हो जाए. तो it's okay when we all are buddies. तो ये buddies वाला माहौल वहाँ पे always मिलेगा आपको. Let's quickly jump to this part again. So about black aeroplane. Black color का, white color का तो आज तक देखा है हमने, कभी कभी थोड़ा थोड़ा blue भी देखा है, थोड़ा थोड़ा सा orange भी देखा है, लेकिन black, yes. What's the mystery about this? Black aeroplane कैसे है वो भी हम जानेंगे इसी सेशन में. एंड व्हाट अबाउट द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? वी हैव इज फेडरिक फॉर्स्टर. ही वाज बोर्न ऑन 25th August 1938. ही वाज इंग्लिश ऑथर, जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर स्पाई एज वेल. सो यू कैन नो हियर कि जो स्पाई हैं, स्पाई मींस क्या होता है? जासूस. तो बहुत सारे जासूस होते हैं ना, डिटेक्टिव्स, वर्ड सुना होगा. सिनोनिम्स में याद रखो इन सारे वर्ड्स को, अपने इंग्लिश को एनहांस करो. देखो आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को कई बार ये सोचने को आता है कि हम अभी ना तो अच्छे मतलब गुड लिसनर है, ना गुड स्पीकर है, ना ही बैड लिसनर और बैड स्पीकर है. काम चल रहा है, वाई टू काम चलाओ एवरी टाइम, वाई सो? हम जब सीख रहे हैं तो हम फुल्ली अपना इंटेंशन देते हुए फुल एफर्ट्स के साथ में करेंगे ना. सो आप कीजिए. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर. सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट इज हियर एंड आई लव दिस पैनल. एक्चुअली मैंने ना इतनी शिद्दत से बनाया ना आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इस बात पे तो हार्ट्स भेज दीजिए प्लीज. आई वॉन्ट योर ऑल हार्ट्स क्विकली. और ऐसा बर्ड मिले तो आप भी वो एक डायलॉग याद आया था पता है ये जब मैंने बनाया ना. सो आई वॉज लिटरली हैविंग दिस डायलॉग इन माई माइंड. वो डायलॉग था मेरे कि मैं उड़ना चाहता हूँ, राइट. ये पता नहीं मूवी का नाम बता दोगे मुझे, पता है कमेंट सेक्शन में आ ही जाएगा तब तक, कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, बट मैं रुकना नहीं चाहता हूँ. दैट डायलॉग. सो ये सेम वो फीलिंग देता है, राइट. अब ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो इस लेसन का कौन सी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का एक पार्ट है. ओके, पार्ट वन इट इज. अब पार्ट वन है, दैट मींस इसके अंदर आपको कौन दिखाई दे रहा है? यू कैन सी हियर इट इज अ सीगल. कौन है ये सीगल? क्या अकेला सीगल है? नहीं. तो चलो अबाउट दी कैरेक्टर्स वी मस्ट नो. कैरेक्टर्स कौन है? सबसे जो मेन हमारा कैरेक्टर है दैट इज अ यंग सीगल और उसकी एक फैमिली है. सो यंग सीगल हो गया और उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसके भाई बहन है, सिबलिंग्स जिसे कहा जाता है. सिबलिंग्स आर भाई बहन. उसके बाद में हम बात करते हैं फादर एंड मदर सीगल. तो ये कुल मिलाकर के इनकी एक फैमिली है. अब स्टोरी को मैं फटाफट से बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्या स्टोरी एंड हाउ, बट I am going to tell you the story on one condition only, कि आप मुझे थीम बताएंगे. आप मुझे फटाफट से जैसे ही स्टोरी यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ, यू आर गोइंग टू स्टॉप द वीडियो एंड यू आर गोइंग टू राइट द थीम दैट व्हाट यू लर्न, व्हाट इज द मॉरल और एनीथिंग यू हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन. तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत ईजी स्टोरी है. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ यंग सीगल, आपके और हमारे जैसा यंग सीगल है जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है. सो उसको खुद पे जब कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके फादर मदर मतलब एक उसकी बहुत अच्छी फैमिली थी, उसको सपोर्ट करने वाली फैमिली थी. उसकी फादर मदर जब उसके सिबलिंग्स को भी उड़ना सिखा रहे थे, उसको भी उड़ना सिखा रहे थे, बट ही वाज फेयरफुल, ही वाज अफ्रेड, ही वाज फ्राइटन्ड. सो मैंने कितने सारे सिनोनिम्स बता दिए अभी यहाँ पे, आपको जो याद रहे आप वो वाला जरूर से यूज कीजिए. सो वो उसको बहुत डर लगता था, उसको उड़ना मतलब उड़ने से डर लगता था. उसे लगता था शायद मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, व्हाट इफ मैं गिर जाऊंगा, व्हाट इफ पोएम याद रखो, याद हो है तुम्हें वो पोएम. तो उन सब सारी चीजों को आप एक साथ में याद कर लीजिए. सो एक बारी क्या होता है, इट इज अ स्टोरी अबाउट दैट एंड इट इज रिटन by, as I told you, Liam O'Flaherty, and it is based on a young seagull. ठीक है, अब वो एक बार ये क्या होता है, उसका जो पहला उसे उड़ान लेनी होती है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है, उसको उड़ना है राइट. सो लाइक दैट. सो उसे उड़ना है, लेकिन क्या है, वो डर रहा है, वो बहुत ज्यादा डर रहा है. उसके फादर मदर उसकी फैमिली ने उसे बहुत ज्यादा अप्रोच किया, उसे समझाया भी, इवन उसको बार बार बुलाने की कोशिश की. उसके अंदर का जो सोया हुआ जानवर है, उसको जो सोया हुआ सीगल है, उसको भी जगाने की कोशिश की, लेकिन वो सारे अटेम्प्ट्स में क्या हो गए, फेल हो गए. अब वो फेल हो गए तो एक टाइम ऐसा आया कि उसके पेरेंट्स इरिटेट होने लग गए कि हम इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल ये अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बाहर नहीं लेके आ पा रहा है. देन व्हाट हैपेंड, सो हिज फादर एंड मदर परसुएडेड हिम टू फ्ली. आ गया यहाँ पे, ये लाइन याद रख लीजिए. परसुएड करना मतलब उस चीज के लिए उसको मनाना, और इवन डाटा भी. देखो भाई, कितने दिन तक प्यार करेंगे मम्मी पापा, वही मम्मी पापा सबसे अच्छे होते हैं जो डांटते भी हैं, है ना. तो परसुएड किया, साथ ही साथ में उसको स्कोल्ड भी किया, लेकिन सारा कुछ इन वेन, ऑल इन वेन, मतलब नो रिजल्ट, नो सक्सेस, इन वेन. याद रखो, बहुत अच्छा तरीका है लिखने का. जब आप कहते हो कि देयर वाज नो आउटपुट, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला, अच्छा पार्ट नहीं निकला, उसका पॉजिटिव कोई कोई भी रिजल्ट नहीं आया तो ऑल इन वेन कहा जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता था, सिर्फ दूर से देखता था, उसके पेरेंट्स बाहर जाते और उड़ते, उसके साथ साथ में उसके सिबलिंग्स भी उड़ के जाते और वो कुछ खाना वाना ले करके वापस से आ जाते। सो ये सारा दिन तक चलता रहा। व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ था? फिर ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी ना एक दिन आई, उसकी मम्मी ने क्या किया, उसके साथ में थोड़ी सी, हमारी मम्मा करती है ना वैसे ही, हमारी जैसे मम्मा नहीं करती है हमको कि पढ़ते नहीं है तो हमको ना ताने देते हैं, शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी की लड़की, है ना तुम तो ऐसे करके। तो उसको भी क्या किया गया, थोड़ा सा आई कैन से पोक किया गया, नॉट पोक इज अ करेक्ट वर्ड बट आई कैन से पोक किया गया कि देखो है ना, वो खाना लेने गए, उसके पास में आए, अभी वो उड़ती उड़ती उनके पास में तो आई, उड़ने के बाद में जब उनके पास में आई और वो चाह रही थी कि वो भी उड़ के उनके पास में आए, लेकिन उसने जब अपनी तरफ से स्टेप नहीं उठाया, यंग सीगल की ही बात हो रही है, तो यंग सीगल जब उनके पास में नहीं आया तो उनको बहुत गुस्सा आ गया था। एंड दैट्स व्हाट रिटन हियर दैट ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम व्हेन हिज मदर क्विकली पिक्ड अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम। उसे लगा कि वाह वाह मेरी मम्मा मेरे लिए क्या ले आई है, फिश का एक टुकड़ा ले आई है, तो वो बहुत खुश हो गया। ही लीन्ड आउट एंथुसियास्टिकली एंड जंप्ड एट द हंग्री फिश। ओके, एज ही फेल आउटसाइड इनटू द ओपन स्पेस अ हॉरिबल हॉरर ग्रिप्ड हिम। जैसे उसने देखा था कि मेरी मम्मा मेरे लिए फिश लेके आई, तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा जैसे ही आगे गया और उसने सोचा कि अब मैं ये फिश खा लूंगा, अंदर का फिर से डर जाग गया उसका। हॉरिबल, व्हाट इज रिटन हियर, द हॉरिबल हॉरर ग्रिप्ड हिम। उसको फिर से डर ने जकड़ लिया, नहीं नहीं तुम गिर जाओगे, नहीं तुम नहीं उड़ सकते हो, ऐसा करके हुआ। देन ही रियलाइज कि अब वो गिर जाएगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। देन व्हाट हैपेंड, उसने ये टर्न, इसका चांस लिया। ही फेल्ट हिज विंग्स एक्सटेंड आउटवर्ड्स द फॉलोइंग मिनट। उसी वक्त उसे लगा, हालांकि डर फील हुआ था कि मैं गिर जाऊंगा, कर जाऊंगा, लेकिन उसी वक्त उसे फील हुआ कि उसकी जो पंख है उसमें बहुत ताकत है। एंड ही व्हाट ही डिड, हिज विंग्स एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स द फॉलोइंग मिनट एंड ही वाज एबल टू सोर। सोर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत एक इजी वर्ड भी है। सोर करना मतलब फ्लाई करना, ऊपर की तरफ जाना, द अपवर्ड मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, सोर कहा जाता है। और जैसे ही उसको अपने पंखों पर विश्वास हुआ, वो उड़ने लगा और उसने अपनी उड़ान भर ली। द वेरी फर्स्ट उड़ान, द वेरी फर्स्ट फ्लाइट ही हैड। एंड फाइनली यंग सीगल, वो बहुत खुश था अपनी फर्स्ट उड़ान को लेकर, फर्स्ट फ्लाइट को लेकर, एंड सोर्ड हायर एंड स्किम्ड थ्रू द वेव्स एंड डाइव्ड अलोंग हिज विद हिज सिबलिंग्स। और ऐसे करके ये हमारी स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई। देखो अभी तुम लोगों को भी लग रहा होगा ना, मैं नहीं, अगर तुम्हें अभी भी रियलाइज हुआ तो मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम कभी ना कभी तो साइकिल चलाई होगी जिंदगी में, है ना। तो साइकिल चलाते तो कितना डर होता है, राइट, कितने डर होता है, मतलब तुम पूछो ही मत। मैंने तो मेरे कितनी बार घुटने ना जब पूरे छिला दिए थे, मेरे को इतनी पसंद थी साइकिल चलाना, राइट। और बट मेरे को कभी डर नहीं था, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ना, नहीं गिर जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो नहीं चलाते। इस चक्कर में वो गाड़ी भी चलाना नहीं सीखते और ऐसा करके। लेकिन एक टाइम पे अगर आपने उस फियर को ओवरकम कर लिया, अपने कॉन्फिडेंस को जीत लिया, अपने कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क कर लिया, तो तुम दुनिया की भी नहीं सुनोगे। और ये कॉन्फिडेंस मैं क्या चाहती हूँ, दैट कॉन्फिडेंस शुड बी फॉर योर इंग्लिश ओनली। किसके लिए होना चाहिए, इंग्लिश के लिए होना चाहिए। मैंने ये देखा है कि हम सुनते हैं, हम गाने भी सुन लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जहां बोलने की बात आती है वहां पे हमारा फियर हमें क्या कर लेता है, इसी तरीके से ग्रिप करके रख लेता है दैट वी कैन नॉट से, नो 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 नो, अगर मैंने गलत बोल दिया तो जजमेंटल हो गए, तो आगे वाले ने बोल दिया अरे तुमने गड़बड़ कर दी, तो ही की जगह शी निकल गया, तो बिल्कुल ऐसा हर की जगह हिम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार यू आर गोइंग टू बी करेक्ट, यू विल डू दैट इन अ ग्रेट वे, जस्ट यू हैव टू ओवरकम योर फियर। यही हमें इससे क्या मिलता है, लेसन मिलता है। जल्दी से आप अपना थीम फटाफट से बताओ। अगर क्वेश्चन आ जाए, इन बिटवीन क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूं यहां पे दैट इफ द क्वेश्चन कम्स हियर फ्रॉम दिस पार्ट दैट व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी, फर्स्ट फ्लाइट। इन एनी वे यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत सिंपल सी शॉर्ट सी स्टोरी थी, सीगल और उसकी फैमिली की स्टोरी थी, सीगल की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर की स्टोरी थी। आपने क्या सीखा, आपने अपनी लाइफ में कहां उसे रियलाइज किया है, where you have to like take actions, you also want to have your first flight but in what aspect, कौन से aspect में आपको अपना first flight लेना है, जहां आप अपने terror को लेकर के बैठे हो कि नहीं 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 होगा मुझसे, नहीं होगा। कुछ भी area हो सकता है। just do tell me in the comment section what is your fear and you haven't come over। शायद मैं जब आपका PDF में ये comments पढूं in the next class I can resolve that, I can help you out that, I can give you mentorship on that, I can be your buddy राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर सेकंड पार्ट. आप सोच रहे होगे ना मैम आपने ग्लॉसरी नहीं कराई, हमेशा तो आज तक आपका ऐसा ही रहा है कि स्टोरी कराते हो, स्टोरी के बाद में ग्लॉसरी कराते हो, ग्लॉसरी के बाद में आप एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड नॉर्मल क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करवाते हो. तो भाई इसमें कितने हैं? 2 चैप्टर्स है, तो हम भी कर लेंगे ना, हम कोई रोक सकता है, हम दूसरा चैप्टर भी कर लेंगे. तो फटाफट से दूसरा पार्ट करते हैं हम यहाँ पे. एंड दिस सेकंड पार्ट इज अबाउट ब्लैक एरोप्लेन. अब ये ब्लैक एरोप्लेन ना मेरे लिए यहाँ पे क्या ला रहा है, ऐसा लाइक टेरर वाला. टेरर वाला मतलब कैसा होता है, डर लगता है ना कि किसी अंधविश्वास में ब्लैक सी ब्लैक मैजिक हो, कहीं पे कुछ अलग सा डरावना सा होने वाला हो, मिस्टीरियस सा होने वाला हो, लाइक दैट. सो यस, अगर आपके भी यही थॉट्स है, दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट. देयर वाज वन पायलट, लेकिन ये पायलट कौन था, उस पायलट के बारे में पहले जानना है हमें. सो दिस इज अबाउट राइट ब्लैक स्टोरी, सॉरी ब्लैक एरोप्लेन. इट इज अ मिस्टीरियस स्टोरी. ये मिस्टीरियस स्टोरी है. एक बार क्या होता है, जो पायलट है वो रात को 1:30 बजे, ओके, अराउंड 1:30 रात को 1:30 बजे क्या करते हैं, जो हमारे ऑथर हैं, अब ऑथर का नाम मुझे बताओ फटाफट से. अभी मैंने इसको स्टार्टिंग में बता दिया था. इन द स्टार्टिंग आई गेव इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ दी ऑथर्स, राइट. सो who was pilot, अगर क्वेश्चन आता है, so tell me quickly in the comment section, who was the pilot, who was the author of Black Aeroplane. quick बताएंगे आप मुझे, okay? So रात को 1:30 बजे की बात है कि जो author है हमारे, वो उड़ते उड़ते कहाँ जा रहे होते हैं, डकोटा एयरप्लेन से, है ना, in his old Dakota airplane over France to England. कहाँ पे, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे होते हैं. अब देखो आपको ये वाला जो चीज है वो थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा, माइट बी, बट यू कैन फील इट कि देयर is an aeroplane here. और चारों तरफ क्या है, अंधेरा छाया. अभी रात के 1:30 बजे है, तुम अपने घर से बाहर नहीं जा पाते हो. मुझे पता है कि तुमने जब भूख लगी हो जबरदस्त वाली, तो तुम अपने रूम से किचन की तरफ नहीं जा पाते हो, इतना अंधेरा होता है घर में. ये रात को 1:30 बजे आसमान में एरोप्लेन से जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी फैमिली से मिलना होता है, ओके. सो एक वो क्या करते हैं, पेरिस को क्रॉस कर लेते हैं, तभी काले घने घनघोर से बादल छा जाते हैं. एंड लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और कैसे लगने लगते हैं वो स्टॉर्मी क्लाउड्स, कैसे लगते हैं, एकदम ब्लैक माउंटेन्स की तरह लगने लगते हैं. फिर भी वो सोचते हैं कि कुछ नहीं, ऐसा ना खुद में ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस वाला कि कुछ नहीं, मैं इसको पार करके ना दूसरी तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से मिलना है. देन इन दोज ब्लैक क्लाउड्स में क्या होता है कि एकदम कंप्लीटली वो एकदम खो जाते हैं, अचानक से ही खो जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, इतना काला अंधेरा छाया हुआ होता है. और फिर ऑल ऑफ अ सडन लाइक दिस यू कैन सी अ रे ऑफ होप. इसमें देख सकते हो ना, जैसे पूरा ये ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे व्हाट यू कैन सी दैट देयर इज अ रे ऑफ होप, और हमारी आंखें उसी वाइट रेस पे जा रही है. वैसे ही जब वो काले घने बादलों में एकदम क्या हो जाते हैं, गुम से हो जाते हैं, वहाँ फंस से जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, देयर ही फाउंड कि वहां से कोई एक एयरप्लेन आ रही है. वहां से क्या आ रही है, एक एयरप्लेन आ रही है. ही सॉ अनदर एयरप्लेन, और जिसकी कोई लाइट्स भी नहीं होती है, ना उसके विंग्स जो होते हैं ना, विंग्स मतलब इसके भी पंख होते हैं ना एयरप्लेन के. अरे क्या बात करते हो, क्या पायलट बनेगा रे, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, हाँ these are wings, ये wings कहलाते हैं. ये तो इसका main body part हुआ, और ये जो है ना इसके वो क्या होते हैं, wings होते हैं. तो चलो क्या हुआ, ये उनके wings थे, but wings पे लाइट नहीं लग रही थी, मतलब mysterious चीजें थी कि एकदम काले घने अचानक से बादलों में अचानक से एक एयरप्लेन दिखाई दिया, लेकिन एयरप्लेन पे लाइट भी नहीं दिखाई दी. तो अब उसको ऐसा लगा कि वो एयरप्लेन उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई तुम मुझे फॉलो करो. ऐसे लग रहा था जैसे कि भगवान ने अपना ही रूप किसी के सामने भेज दिया. सो ही फेल्ट दैट दिस इज अ इंडिकेशन फ्रॉम गॉड दैट आई मस्ट फॉलो हिम. तो उन्होंने उन्हें फॉलो करना शुरू किया, ठीक है. If you forgot half an hour and found that the fuel could only last for another 5 to 10 minutes. अब उसको दिमाग में ये भी था कि अब जो मेरे इस प्लेन में जो फ्यूल है वो भी खत्म होने वाला है, तो अगर आधे घंटे तक तो मैंने पार कर लिया तब तो ठीक है, अदरवाइज ना गाड़ी वहीं पे क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा सारी चीजें. तो पायलट के दिमाग में ये सारी चीजें भी चल रहे थे. फिर भी उन्होंने उन सारी चीजों को ओवरकम किया, और उन्होंने पास किया वो थिक क्लाउड्स को भी पास किया, और लैंड कर दिया सेफली रनवे पे आ गए, लैंड कर दिया. तो मैम ये क्या स्टोरी हुई, ये तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी हुई कि एक बार एक जो ऑथर है वो ऑथर फंस गए थे ब्लैक क्लाउड्स के बीच में, और फिर उनको एक दूसरा एयरप्लेन दिखाई दिया जिसकी कोई लाइट्स नहीं थी विंग्स पे, वो आया और उनको फॉलो किया ऑथर ने, और फिर वो लैंड कर गए. ये इतनी सी स्टोरी नहीं है ना, स्टोरी का ट्विस्ट तो अब आगे है. जब वो रनवे पे लैंड कर गए तो उन्होंने सोचा कि मुझे मिलना चाहिए और मुझे थैंक यू करना चाहिए उस एयरप्लेन के पायलट ने जिसे मुझे बचाया है. सो वो कहाँ गए, वो वहाँ जो रनवे होता है वहीं पे उनका एक जो सेंटर होता है, वहां सेंटर पे जाके उन्होंने बोला, रिसेप्शन डेस्क पर जाकर के इंक्वायरी किया कि मुझे उस पायलट से मिलना है जिन्होंने मुझे असिस्ट किया, मुझे हेल्प किया, और मैं अपने जो ग्रैटिट्यूड है उनकी तरफ थैंकफुलनेस है, ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, थैंकफुलनेस देना चाहता हूँ, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता हूँ। सो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि रिसेप्शन डेस्क पे उनको ये बोला गया, कौन सा ब्लैक एयरप्लेन, कोई एयरप्लेन नहीं था उस एरिया में, आपके एयरप्लेन के अलावा कोई दूसरा एयरप्लेन ही नहीं था। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। कैसी स्टोरी है ये? एक मिस्टीरियस स्टोरी है। देखो, द ऑथर वंडर्ड हु वाज द वन इन द ब्लैक एयरप्लेन दैट व्हिच वाज विदाउट लाइट एंड हु हेल्प्ड हिम टू अराइव सेफली देयर। वहां पे उसे किसने पहुंचा दिया, कौन थे वो, ये मिस्ट्री की मिस्ट्री ही रह गई। हमारे साथ में भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, दैट सडनली somebody के कोई आते हैं suddenly, कोई आता है आपको हेल्प करके चला जाता है and you felt like, और वो कहते हैं हम आपके ना फलाना 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 के फलाना फलाना है, और आपको याद भी नहीं होता, आप तो सोचते हो काम निकल गया, बहुत बढ़िया है, फिर बाद में आप रियलाइज करते हो वो कौन थे एक्चुअली, राइट। सो इसी तरीके से मिस्ट्री हुई हमारे ऑथर के साथ में। यहाँ पे हमारी सेकंड स्टोरी भी होती है कंप्लीट। बहुत सिंपल सिंपल सी स्टोरीज थी यहाँ पे हमारे पास में। नाउ ग्लॉसरी पार्ट इज हियर। व्हाई आई ऑलवेज ऑलवेज लेट यू लर्न दिस ग्लॉसरी पार्ट, बिकॉज एग्जाम में आपने एक दो सिंपल वर्ड्स लिखते हो, एक एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स लिखते हो, तो एग्जामिनर किसको पसंद करेगा, उसको ज्यादा पसंद करेगा नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इफ यू आर गिविंग योर एफर्ट्स ऑलरेडी, इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट, देन व्हाई नॉट डू योर दी बेस्ट, राइट। आप अपना बेस्ट तो कर ही रहे हो, तो व्हाई नॉट दी बेस्ट करो। जब आप ये याद रख सकते हो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मतलब किनारा होता है, तो उसके लिए हम इतना प्यारा वर्ड ब्रिंक क्यों नहीं याद कर सकते। उसी तरीके से लेज, लेज क्या होता है, एक नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ, जैसे ऐसे लेज होता है जो थोड़ी सी तरफ आगे की तरफ निकला हुआ होता है, उसे लेज कहते हैं। अब ब्रीडिंग मीन्स रिबुक, रिबुक करना, स्कोल्ड करना। अभी हमने देखा था कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे स्कोल्ड करते हैं, सीगल को स्कोल्ड करते हैं ना, डांट पड़ती है। स्कोल्ड करना, रिबुक करना, रिबुक करना अपब्रीडिंग करना कहा जाता है। स्टार्व, भूखा मरना, ये तो बचपन से देखा होगा आपने, इतनी सारी जो पोएम्स पढ़ी है, इतनी सारी जो स्टोरीज, उसमें कहीं ना कहीं स्टार्व का जिक्र होता है, भूखा मरने के लिए होता है। देन असेंडिंग, हाँ अगर तुम कहते हो असेंडिंग का नहीं पता है तो सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मैथ्स में तुमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किया है ना, आरोही और अवरोही क्रम किया है ना। आरोही मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, अवरोही मतलब नीचे की तरफ छोटा कोई जो चीज होती है उसकी तरफ जाना। तो असेंडिंग मतलब क्या हो रहा, आरोही यानी राइजिंग। नेक्स्ट इज ब्लेजिंग, ब्लेजिंग लाइक शाइनिंग। आजकल आपने सुना होगा ना, जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देखते हो, सो आई एम ब्लेजिंग लाइक स्टार्स, तो शाइनिंग लाइक स्टार्स सुना है हमने। अब वो ब्लेज कह रहे हैं, तो ब्लेज मतलब भी क्या हुआ, शाइन हुआ। देन डेरोसिवली मतलब क्या होता है, टॉन्टिंग समवन। दिन भर हमारा काम है ना, हम तो करते रहते हैं, हमको बड़ा मजा आता है किसी न किसी को टीज करने में, सो दैट इज व्हाट। ओके, प्लेंटिवली मीन्स बिटरली, यानी कि बिटरली मतलब यहाँ पे बिटर वो वाला बिटर नहीं है, दुख में, सैडनेस के साथ में, सौरों के साथ में जो बात करते हैं उसके लिए यूज किया गया है। सीज, गाड़ी सीज करते हैं ना, जब्त कर लेते हैं, उसने मेरी गाड़ी सीज कर ली। भाई सीज करने का मतलब क्या हुआ, पकड़ लेना। बस हम लोगों को ये वर्ड सुना है, हमने ये वर्ड यूज भी किया है, स्पेलिंग कभी नहीं याद की, स्पेलिंग का कभी जिक्र ही नहीं हुआ है ना। सुना है दोस्त से, और दोस्त मेरे बचाने आ जा मुझे, क्या हुआ, अरे पुलिस ने गाड़ी ले ली यार। अब गाड़ी ले ली मतलब गाड़ी जब्त कर ली, जब्त कर ली मतलब गाड़ी सीज कर ली। हो गया लर्न हमें यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें इसी क्लास में ग्लॉसरी भी लर्न करवा रही हूँ। देन कमेंडेड, कमेंडेड मींस क्या होता है, प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। प्रेज करना, प्रशंसा करना, कमेंडेड उसको कहा जाता है। कावर्डाइज आपने सुना होगा, लैक ऑफ करेज, कायरता, हाउ कावर्ड यू आर, तो कावर्डाइज हो गया। स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग का स्ट्रॉलर सुना है, जिसमें छोटे से बच्चे को अपन अपने तो इंडिया में कहाँ है, देख इंडिया में इतना नहीं है बट है। ओके, इट डिपेंड्स वेयर यू आर। सो इंडिया में तो बच्चों को कैसे करते हैं, ऐसे गोदी में ले लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में ऑलवेज व्हाट दे डू, उनके पास में स्ट्रॉलर होता है, उसको स्ट्रॉलर कहते हैं। बता देती हूँ मैं आपको, स्ट्रॉलर होता है, उसमें बच्चा होता है, वो चुपचाप, इतना सीधा बच्चा, मतलब उनके बच्चे इतने सीधे कैसे हो जाते हैं, चुपचाप चुपचाप से लेटे रहते हैं। हाँ हमको ले जाओ तुम किसी मॉल में, हम तो फैल जाते हैं, इतने बड़े होने के बाद भी फैल जाते हैं। चॉकलेट नहीं दिलाई यार मम्मी आपने, यार इतनी दूर में आपके लिए गाड़ी चला के आई मम्मी आपको दिलाने के लिए, और ये सारा सामान आप एक चॉकलेट नहीं दिला रहे हो, आप मुझे ये वाला चीज नहीं दिला रही हो। हम इतने बड़े होने के बाद में फैल जाते हैं। उनके बच्चे देखो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनके, और स्ट्रॉलर में चुपचाप ऐसे बैठे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं ऐसे ऐसे। अब स्ट्रॉलर मतलब क्या है, तुमको याद कराने का स्ट्रॉलर है यहाँ पे। ओके, स्ट्रॉल करना मीन्स क्या होता है, मूविंग अराउंड इन एनी प्लेस। वो क्या होता है, इधर उधर कहीं पे भी मूव हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉलर कहते हैं। दैट्स व्हाट वर्ड इज। आ रहा है ना मजा, देखो मजा आ रहा है तो अभी के अभी लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब कुछ करो यार। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे क्या? करो क्विकली। बैकनिंग दैट मीन्स पॉइंटिंग, ऐसे किसी को इंडिकेशन देते ना, इंडिकेट करना। यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हो, पॉइंट करना, इंडिकेट करना, उसको ही कहा जाता है। देन डिसर्न, डिसर्न मीन्स अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड, डिसर्न। ओके, सो इसके लिए भी एक और एक्स्ट्रा वर्ड बता दिया मैंने आपको। रिजिड मीन्स आता है हार्ड, बहुत ही कठोर, हार्ड, उसके लिए यूज किया जाता है। ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग। ट्रेम्बलिंग वर्ड आपने इफ यू रिमेंबर तो आपने पढ़ा होगा इन क्लास 8 एज वेल, जब देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड द सुनामी, द सुनामी करके चैप्टर था, द अर्थ ट्रेम्बल्ड। ट्रेम्बलिंग, उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स थे वहां पे भी, राइट। सो ट्रेम्बल मीन्स क्या होता है, शेक। हाँ मैम, हमने उस वक्त पढ़ लिया होता तो अब तक तो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती ना, ऐसा नहीं है। हम बस रिपीटेशन नहीं करते हैं, हम रिवाइज नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई। एक से दो बार रिवाइज कर लिया, उसी वर्ड को पकड़ लिया कि आज मैंने ना इसमें से, जैसे मैम ने स्ट्रॉलर का वर्ड बताया, तो मैं इसको जब भी कोई दिखेगा उसको बोलूंगी देखो उसके पास स्ट्रॉलर है, उसे मुझे भी याद होगा, उसे भी याद होगा। इस तरीके का जब आपने अप्रोच लेना है, या दूसरा अप्रोच है मुझे एग्जाम में इन वर्ड्स का यूज करना है। सो व्हेन यू यूज योर दीज वर्ड्स इन एग्जाम, यू मेक श्योर। देखो स्टोरी कोई याद कर सकता है, आई ऑलवेज से, स्टोरी कोई भी याद कर सकता है, स्टोरी कहानी वहां तुम्हें नहीं पूछी जाती। एग्जामिनर का अप्रोच तुम्हारे से कहानी पूछना नहीं होता है, उनके क्वेश्चंस अलग लेवल के होते हैं। दैट्स व्हाई आपको क्या लगता है हमने तो क्वेश्चन का आंसर दिया था लेकिन हमें फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले? अरे क्वेश्चन का अप्रोच देखो ना, वहां तुम्हें स्टोरी थोड़ी सुनानी है, स्टोरी टेलर नहीं बनना है। वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, वो अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और तुम वहां स्टोरी लिख के आ रहे हो तो फिर मतलब ही नहीं, मैचिंग ही नहीं बैठ रही है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रूड का मतलब, इंट्रूड वर्ड का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती किसी चीज में इंटरफेयर करना, घुसपैठी के लिए यूज किया जाता है। जहां एंट्री नहीं है फिर भी आप चले जाते हैं, उसको लिए इंट्रूड कहा जाता है। मूविंग अहेड, सो let me take a deep breath. Until then, you tell me, are you all ready for this rapid fire round or not? देखो rapid fire round है, मेरे को बहुत मजा आता है। मैम आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? ये rapid fire से ही लाती हूँ। मेरे को सारी चीजें ना बहुत एकदम एनर्जेटिक चाहिए होती है, एंथुजियास्टिक, पैशन के साथ पढ़ो। बहुत डलनेस के साथ पढ़ते हो, आजकल के बच्चे देखे मैंने, बहुत डलनेस के साथ पढ़ने लग गए हैं, बोरियत लेने लगते हैं, बोझ लेने लगते हैं। ये सब मत करो, एकदम एनर्जी के साथ में। वही चैप्टर आप 1 घंटे में कर सकते हो और वही चैप्टर आप 4 घंटे तक उसको सामने, फिर भी एक शब्द भी नहीं जाता दिमाग में। वाई दिस हैपन्स टू यू, वाई दिस हैपन्स? बिकॉज यू नीड टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी यू डू इन योर लाइफ, राइट। सो वेन यू डू रनिंग, तो आपका मेंटल जो अगर हम बात करें मेंटल एक्टिविटीज की, वो भी रनिंग के टाइम पे ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। क्यों एक्टिवेटेड होती है? बिकॉज एवरीवेयर, लाइक आपका पूरा होलसम 360 की बात करते हैं अगर हम, होलसम आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जेटिक हो। सो उसी एनर्जी को यहाँ पे बनाए रखो और फटाफट से मुझे बताओ इन दिस कमेंट सेक्शन, व्हिच आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रीड। और जो मैंने पुराने कमेंट्स रीड किए ना, उसके भी आंसर्स दूंगी मैं डेफिनेटली। बहुत ही, एक तो बच्चा मैं नाराज हूँ आपसे, मैं नाराज हूँ आपसे। बच्चा नाराज होके क्या करेगा, इन्नों से जिंदगी है, वो रियलाइज मुझे अब हुई है, इन्नों से जिंदगी है, तुम्हें अभी समझा रही हूँ मैं। इस इन्नों से जिंदगी में ना नाराज हो। ओके चलो, अभी नाराज नहीं होना है हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, बिकॉज हमारे टर्म टेस्ट आर वेटिंग फॉर अस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड दिस क्वेश्चन से, सीगल्स फैमिली कॉल हिम कावर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना होता है एमसीक्यू, ऑलवेज रिमेंबर। पहले क्वेश्चन में से ही करो, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आएगा। I never say that this question will come, but surrounding to this question, if any question comes, then you can do it. Yeah, you can do it. देखो सीगल की फैमिली है, सबसे पहले तो सीगल वाला चैप्टर कौन सा है, तो सीगल वाला चैप्टर हमारे पास में आ जाता है, his first flight. ओके अब बाद में मैं अभी सब चीज नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगी कैसे करना है। जैसे ही तुम्हें पता चल गया हिज फर्स्ट फ्लाइट है, तो आप बात करो, खुद से ही बताओ कि इसका ऑथर कौन है। अच्छा ऑथर कौन है, ऑथर है तो स्टोरी कौन सी है, जस्ट एक रफली स्टोरी दिमाग में आ गई, स्टोरी कौन सी। उसके बाद में देख लिया हमने इसका थीम देखा कि स्टोरी का थीम क्या है, स्टोरी के थीम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। चलो देन कॉल हिम, हिम कौन है यहाँ पे, यंग सीगल। कौन है भैया जी, यंग सीगल है हमारा यहाँ पे। ओके सो सीगल्स फैमिली कॉल हिम, किसको? सीगल की फैमिली, जो यंग वाला सीगल है उस यंग सीगल को क्यों कावर्ड कहते हैं? और ये कावर्ड वर्ड अभी डिस्कस कर लिया. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, ए बी सी एंड डी. व्हिच वन इज करेक्ट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ए इज ही वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, बी ही डोंट वांट टू फ्लाई, सी ही फाइट्स विद एवरीवन एंड डी नॉट एबल टू कलेक्ट फूड. सो व्हाट्स द रीजन? यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आफ्टर सर्विंग द स्टॉर्म. अब देखो स्टॉर्म, आफ्टर सर्विंग द स्टॉर्म व्हाट फ्राइटन द पायलट. पायलट वाला स्टोरी है अगेन. देखो मैं तो अपना मैप बना चुकी दिमाग में. पायलट वाला स्टोरी है, यानी कि हम बात करते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट. उसके फ्लाइंग की स्टोरीज में से सेकंड स्टोरी जो है ब्लैक एरोप्लेन, उसका ऑथर कौन है, उसका स्टोरी की बात कर, स्टोरी क्या है, उसका थीम क्या है. मेरे दिमाग में मैप आ गया. ओके, तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए. अगर तुम इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आज नहीं कल कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तो तैयारी करोगे. सो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ वैब ऑफ दैट. And grammar में definitely you will get help from this web mapping, because grammar जब हम करते हैं तो बहुत सारे जो interconnected होते हैं, there are lots of topics which are interconnected, so they get help. Yeah, you get help from all these questions when you do, or when you are stuck, when error type of questions are asked to you. So आप क्या करते हो, आप इसी type के web बनाते हो. Okay, moving ahead, I hope that आपने answers दे दिए होंगे. A B C D, all options are in front of you. ऐसे नहीं A B C D सारे लिख दियो ना, तैयारी कर लो यार, मन से पढ़ लो ना प्लीज. सो आफ्टर सर्वाइविंग द स्टॉर्म, क्यों पायलट फ्राइटन था? डिस्टर्बेंस इन इंजन, फ्लू वाज अबाउट टू एम्प्टी, लॉस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स एंड लॉस्ट लैंडिंग पाथ. व्हिच वन इज करेक्ट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. बी क्विक, जो जल्दी जल्दी करेगा आंसर उसको मिलेगा बहुत सारा क्लैपिंग, बहुत सारा प्यार. ओके, व्हाट वाज विजिबल टू फेडरिक फॉर्स्टर? अब आपने बताया ही होगा, आई होप दैट आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा कि कौन थे ऑथर, हु वाज द ऑथर ऑफ ब्लैक एयरप्लेन. और यहाँ पे नाम भी आ चुका है मिस्टर फेडरिक का. ओके, व्हेन ही केम आउट ऑफ ब्लैक क्लाउड, सो व्हाट वाज विजिबल? उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? क्या अनादर एरोप्लेन, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस, रनवे, या बोथ बी एंड सी? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेक यू कंफ्यूज कि यहाँ पे ये भी है, ये भी है, बोथ बी एंड सी ऑल्सो है, कौन सा करना है वो तो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. एंड देन आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एन इंस्ट्रूमेंट. बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने ये चैप्टर भी नहीं रीड किया है देन ऑल्सो यू कैन आंसर मी दैट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू नो द डायरेक्शन मेंशन्ड इन द चैप्टर. देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट. चलो इस चैप्टर की बात नहीं करें, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो आपको डायरेक्शंस बताता है कि कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है, कहाँ पे ईस्ट है और कहाँ पे वेस्ट है. वो डायरेक्शन बताने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऑप्शंस आर रेडियो, कंपास, ब्लैक क्लाउड या थर्मोमीटर. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई होप दैट यू हैव गिवन द आंसर एज वेल. मूविंग अहेड, नाउ व्हाट इज दिस मैम? देखो एमसीक्यू से काम चल जाएगा क्या? नहीं, हमें प्रिपरेशन किसकी भी करनी है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल. देखो लॉन्ग क्वेश्चंस होते नहीं है मैम हमसे. हाँ, कैसे गिराओगे उसके लिए मैं अलग से आपको डेफिनेटली अपनी प्यारी प्यारी प्रवचन वाली बातें बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस करने के कैसे तरीके होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आप पॉइंटर्स बना करके लर्न कर सकते हो. यू डोंट हैव टू राइट ऑल द 10 लाइंस ना, आप सिर्फ अपने शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो वो सब डिटेल में बताऊंगी मैं आपको. कभी मिलेगा वक्त तब जब होंगे आप, मैं और सिर्फ हमारी पढ़ाई. ओके, लेट्स गेट टू दिस क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट हैड द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स डूइंग द डे बिफोर? सो एक दिन पहले क्या देखा था यंग सीगल ने? आफ्टर मेकिंग हिज बिफोर मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने क्या देखा था, अब उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, एंड व्हाट दैट लाइक इमोशंस ही वाज गोइंग थ्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट? वेरी गुड क्वेश्चन, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, दैट हाउ इमोशनल यू आर एंड how the way you look forward for. तो आपको यहाँ पे आंसर ऐसे देना होगा that young seagull ने और उसकी फैमिली ने कैसे मिलकर के उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे सेलिब्रेट की थी. ओके, एंड यू ऑल्सो डू टेल मी दैट अगर आपने अपने कोई भी फियर को ओवरकम किया है, हो सकता है वो शायद साइकिल चलाना है या गाड़ी चलाना है या कोई भी ऐसा आपका फियर, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे अब आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और एनी अदर लैंग्वेज यू वॉन्टेड टू टॉक अबाउट और यू वॉन्टेड टू लर्न दैट लैंग्वेज, बट यू वर वेरी फ्राइटेंड अबाउट दैट, यू डोंट had that courage, all right, and but you overcome and now you are self confident to talk in that language to anyone. So agar aisa kuch hua hai that you turn in your life, do tell me in the comment section and how you felt, then I am going to celebrate it. Okay, Now, next question is what did the writer see inside the black clouds? Black clouds के अंदर क्या दिखाई देगा? यहाँ पे अगर आप सिर्फ वो airplane लिख देंगे, that's not true. Okay, you have to tell in detail what was happening there and how the pilot entered into the black clouds and then what happened. तो ये थोड़ा detailed वाला question है. सीधा question दिख रहा है. वही इतना सीधा नहीं है examiner भी कि इतना सीधा question देके आपको पूरे 5 marks दे देगा या 4 marks दे देगा, नहीं ना. चलो next question. Why did the writer want to meet the pilot of another black airplane? जो दूसरी black airplane थी उस वाले pilot से क्यों मिलना चाहते थे? Because he wanted to show his gratefulness, thankfulness show करना चाहते थे that उनकी वजह से वो उस storm में से उस black clouds में से बाहर आ गए and he is now able to meet his family as well. तो ये सारी बातें कर ली हमने आज हमारे chapter की. कौन सा chapter था? You very well know. कौन सा था? अरे एक नहीं था, 2 था, बिल्कुल, बट चैप्टर 1 ही है. लेसन का नाम क्या है? 2 Stories About Flying एंड हियर वी हैव. ये देखो ये पीपीटी में लगा नहीं है, ये मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे. एक्चुअली इट्स थैंक यू. Okay, what it is? It's thank you. So I thank you all heartily for having this enthusiastic session and do tell me in the comment section that how you loved it. Anything else you want, आपके सामने कमेंट सेक्शन है, आप मुझे बताएंगे आराम से. मैं जब आपके बाद में कमेंट्स पढ़ूंगी, जब मेरे पास में पीडीएफ आएगी, आई विल गो थ्रू दैट कमेंट्स एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम टू द पॉइंट जहां पे आपका फायदा होगा और हम भी आप तक अप्रोच कर पाएंगे. ओके, सो ऑन दिस नोट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. टिल देन, बाय बाय.